Myself Manoj Kumar Das. Today we will discuss about some portion of function. That means recursive function. What is recursive? Recursive means number of times we call a specific portions. That means in a function we call particular portion number of times. We will call particular portion in number of times. This type of function is known as recursion function. That means a function call itself. A function call itself is known as recursion function. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट एक सोचो डिपॉजिट एक फंक्शन है. तो मैं आज बैंक गया कुछ पैसा डिपॉजिट करने के लिए, तो आज मेरा अकाउंट में जो भी प्रोसेस में काम हो के मेरा कुछ पैसा डिपॉजिट होगा, फिर मैं कल और एक बार जाऊंगा बैंक, तो वही प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होगा. फिर दूसरा दिन गया, वही प्रोसेस और एक बार होगा. तो एक डिपॉजिट को क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे. जैसे बैंक में क्या होता है, एक ऑफिसर वहां पे बैठा होता है, वो क्या करता है, हम लोग जाते हैं वहां पे कुछ पैसा देते हैं, तो वो पैसा को लेकर हम लोग का अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देते हैं. तो आज वो जैसे कि कल भी उसी तरह काम करेंगे, परसों भी उसी तरह काम करेंगे, तो सेम वार बार बार वो कर रहे हैं सेम वार. तो उसी तरह एक फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करेंगे, एक फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करेंगे. वो फंक्शन क्या होगा, बार बार अपना आपको खुद को कॉल करेगा, खुद को कॉल करेगा. अरे ना बुझ पर जा रहा था यार, अर्थ होला ये बड़ा फंक्शन हमें करिबा, फंक्शन से फंक्शन ता ताकु निजु को से डाकिबो. दैट मींस ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, वो बार बार खुद को बुलाएगा. तो वही सेम वर्ड बार बार होगा, सिंपल बात है. तो हम लोग को बार बार और कोड लिखने का जरूरत नहीं. क्लियर? जैसे हम लोग आज गए डिपॉजिट करने के लिए, आज जो प्रोसेस में काम हुआ कल वही प्रोसेस में काम होगा. तो बार बार हमको हम लोग को वो प्रोसेस के बारे में पता करने की जरूरत नहीं. हम लोग सिर्फ पैसा दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, जो ऑफिसर बैठे होंगे वो डिपॉजिट कर देंगे. तो उनके पास एक फंक्शन डिफाइन होगा. क्या फंक्शन? डिपॉजिट करने का फंक्शन. तो जब भी हम लोग जाएंगे पैसा देके, तो वो क्या करेंगे ना, डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करेंगे. वो फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली काम करेगा. उसी तरह सी प्रोग्राम में हम लोग कुछ पर्सन को बार बार यूज करने के लिए, बार बार यूज करने के लिए हम लोग उसी तरह कोडिंग लिखते हैं. उस टाइप का कोडिंग को हम लोग, उस टाइप का फंक्शन को हम लोग बोलेंगे रिकर्सन फंक्शन. तो चलते हैं हम लोग उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं. ठीक है, प्रोग्राम शुरू होगा यहाँ से. मैं अभी जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो कोर्स मटेरियल में सब है. ठीक है, तो वहां पे एक हेडिंग है रिकर्सन फंक्शन. रिकर्सन का फंक्शन का मतलब क्या है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मैं खुद को कॉल करूंगा, बार बार कॉल करूंगा. उस टाइप को काम को हम लोग बोलते हैं रिकर्स, रिकर्सिवली कॉल करना. तो फंक्शन का हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सन फंक्शन. तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, हम लोग का प्रोग्राम कहां से शुरू होगा, मेन से. तो यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखा गया है. ठीक है, वो कोडिंग के बाद एक फंक्शन आ गया. तो फंक्शन को पहचानने के लिए क्या ट्रिक है, कुछ भी लिखा होगा ऐसे ब्रैकेट होगा, तो ये क्या बन गया एक फंक्शन. तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये क्या बन गया एक फंक्शन. क्लियर, ये फंक्शन यहाँ पे आ गया. तो ये फंक्शन आने से क्या होगा, ये क्या करेगा, कंपाइलर अभी सर्च करेगा कहीं पे इस नाम का कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे सर्च करेगा, तो यहाँ पे वो उसको मिलेगा, ये फंक्शन है. देखो इसका ना जो नेम है उसका भी वही नेम है. तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा कंपाइलर. क्लियर, तो यहाँ के यहाँ आ गया, अंदर घुसेगा. तो कुछ कोडिंग लिखे हैं हम लोग. ठीक है, कुछ भी लिखे, उसके बाद अगेन एक फंक्शन आ गया. ठीक है, देखो ये फंक्शन का जो भी नेम है ये भी वही सेम है, तो ये फिर क्या होगा, अगेन कॉल होगा. ठीक है, फिर अंदर घुसे तो ये कोडिंग होगा. क्लियर, अगेन ये आ गया, तो ये फिर चला जाएगा यहां पे, अगेन अंदर घुसे, ये बार बार चलेगा. तो देखो ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है. ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहां पे जब आ रहा है ये खुद को फिर कॉल कर रहा है, तो फिर ये आ रहा है.
अगर यहाँ पे आ जा रहा है, ये फिर कॉल कर रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये बार बार चल रहा है। तो जब तक है यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन दे देंगे, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब तक ये चलेगा। तो इस टाइप का जब ये फंक्शन खुद को बुलाता है, उस टाइप का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रिकर्सन फंक्शन। कंसेप्ट क्लियर? सेम फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, बार बार चल रहा है, उस टाइप का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रिकर्सन फंक्शन। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है एक सिंपल प्रोग्राम लेके उसको हम लोग समझते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो ये छोटा सा प्रोग्राम लेके हम लोग देखेंगे, ये प्रोग्राम किसके ऊपर बेस किया गया। हम लोग कुछ सोच लो, 6 नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर तक हम लोग एडिशन करेंगे और रिजल्ट क्या दिखेगा उसका सम। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, जो सुनो, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 तो कितना होगा 3। अगेन नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6। नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तो 6 प्लस 4 तो कितना हो गया 10। उसके बाद वाला नंबर क्या है 5 10 प्लस 5 15, तो उसी तरह चलेगा। तो ये जो एडिशन वर्क बार बार हो रहा है कि नहीं, तो ये एडिशन वर्क को हम लोग क्या करेंगे एक फंक्शन में डाल देंगे। क्या करेंगे एक फंक्शन में डाल देंगे। तो जब भी एडिशन होगा वो फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये फंक्शन बार बार कॉल होगा, तो ये रिकर्सन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग ये प्रोग्राम में डालें। असाइनमेंट क्वेश्चन है, जो टास्क हम लोग का है, हम लोग कोई सोच लो 6 नंबर ले सकते हैं, 5 नंबर ले सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग लिए 3 नंबर लेने से क्या होगा 1 2 3, तो 1 प्लस 2 2 प्लस 3, तो टोटल रिजल्ट कितना लेंगे हम लोग फाइंड करेंगे 6। तो उसको हम लोग कैसे रिकर्सन फंक्शन यूज करके करेंगे। ठीक है, तो पहला वैल्यू है कि हम लोग कितना तक एडिशन चाहते हैं, तो हम लोग कितना तक चाहते हैं 3। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा 3, तो एक वेरिएबल हम लोग ले लिए नंबर, नंबर तो हम लोग का नंबर वैल्यू कितना है, नंबर इक्वल टू 3। क्लियर, नंबर ले लिए, तो नंबर 3 है, क्या है इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया, नंबर लिए 3। यहाँ पे ऑलरेडी आउटपुट हम लोग जब रन करेंगे तो आउटपुट आएगा एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है स्कैन परसेंटेज डी परसेंट नंबर, तो नंबर का मतलब है हम लोग वैल्यू दिए 3। क्लियर, इतना तक हो गया मेरे को लग रहा है, ये 2 लाइन हो गया। उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट क्या है हम लोग का आउटपुट का वेरिएबल है, तो रिजल्ट इक्वल टू सम ब्रैकेट में नंबर दिया गया। ठीक है, तो मेरे को ये लग रहा है ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन क्यों, यहाँ पे देखो इसे ब्रैकेट दिया गया है। क्लियर, तो ये जो ब्रैकेट है तो ये फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पैरामीटर पास किए नंबर, तो नंबर का वैल्यू क्या है 3, ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन आ गया, तो यहां से हम लोग और नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कहाँ पे सम फंक्शन है, सम के नाम पे कोई फंक्शन है क्या, तो यहाँ पे चलते हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, इन सम, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये नंबर कौन सा वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो ये जो पास हुआ इसको जो हम लोग थ्रो किए तो उसको कौन कैच करेगा, इंटीजर टाइप वेरिएबल कैच करेगा। देखो यहाँ पे एन कैच करेगा, जो नंबर का वैल्यू आएगा वो कहां पे रहेगा, एन पे, तो एन क्या होना चाहिए, नंबर क्या है इंटीजर है, तो एन क्या बनेगा इंटीजर, तो ये क्लियर हो गया। क्लियर, उसके बाद यहां आते, तो देखो अभी एक कंडीशन हम लोग डाल दिए, एन नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं होता तब तक ये चलेगा, जब तक 0 नहीं होता तब तक ये चलेगा, तो क्या चलेगा देखो यहां पे लिखा गया है, थोड़ा केयरफुली देखो, मैं जितना अंडरलाइन किया उतना ही देखो। ठीक है, एन प्लस सम ब्रैकेट में हम लोग लिखे क्या एन माइनस 1, तो सम क्या है एक फंक्शन है, सम क्या है एक फंक्शन है, तो उसके अंदर हम लोग क्या पास करें एन माइनस 1, तो एन क्या था 3, अभी क्या बन गया 2, एन का वैल्यू कितना है 3, अभी कितना बन गया 3 माइनस 1, तो कितना बन गया 2, सम 2, ये अगेन एक फंक्शन बन गया, तो ये फिर अगेन किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, ये ऐसे बार बार ये कॉल करेगा, तो कब तक करेगा, जब तक एन नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, जब भी एन इक्वल टू 0 बन जाएगा तो रिटर्न एन, इतना ही प्रोग्राम लिखा गया।
मगर अभी मेरे को लग रहा है हम लोग 50% इसको समझ पाए हैं। तो 50% इधर चलते हैं, हम लोग क्लियरली देखेंगे कि प्रोग्राम में कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा उसको जूम करके देखेंगे। तो पहले जब हम लोग मेन फंक्शन में आए तो मेन फंक्शन में एक रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे थोड़ा इंक चेंज कर देते हैं। तो रिजल्ट यहाँ पे पहला बार आया सम। देखो यहाँ पे सम नंबर, नंबर क्या है 3 है। हम लोग का पहला नंबर क्या था 3। क्लियर, तो 3 हम लोग पास किए। तो ये जो सम लिखा गया, तो देखिए जहां पे भी सम फंक्शन डिक्लेयर किया गया ये वहां पे चला आएगा। ठीक है, तो सम यहाँ पे क्या लिखा गया इंट एन। इंट एन, एन का मतलब यहाँ पे क्या आया 3 आया, तो 3 कहाँ पे रहेगा एन पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया, देखो डायग्राम को थोड़ा देखो। ठीक है, फिगर हो गया। तो अभी एन का वैल्यू कितना है 3 है, तो अंदर घुसेंगे। अंदर घुसने में क्या लिखा है इफ एन नॉट इक्वल टू 0, 3 0 के साथ सेम होता है नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रन होगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एल्स पार्ट। तो अभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग का ये होगा ये पार्ट। यहाँ पे आगे आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एन प्लस सम एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 3 है। और यहां पे क्या बन गया सम, सम एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब एन कितना है 3 है, एन माइनस 1 मतलब 2। क्लियर, तो ये तो और एक बार फंक्शन कॉल हो गया। क्लियर, तो अभी फिर अगेन वही सम फंक्शन कॉल होगा। तो सम फंक्शन कॉल होने से सम में पास कितना होगा 2 पास हुआ, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 2, एन का वैल्यू 2। ये थोड़ा टफ लगेगा मगर बार बार ये वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू अभी कितना हो गया 2। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे 3 प्लस सम 2 हम लोग कर नहीं पाए। क्यों, सम 2 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो ये एक फंक्शन है, तो अगेन ये फंक्शन 2 जो वैल्यू 2 है पास होगा ये फंक्शन में। तो देखो अगेन सम फंक्शन कॉल हुआ अगेन, तो एन का वैल्यू कितना अभी 2 है, इक्वल टू 0 नहीं, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अभी क्या लिखेंगे, एन का वैल्यू कितना है 2 प्लस सम कितना है सम एन माइनस 1, एन कितना है 2 है, तो ये बन गया सम 1। तो सम 1 का रिजल्ट तुमको मालूम है नहीं, तो ये और एक बार फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन फिर कॉल होगा। क्लियर, अभी एन का वैल्यू कितना बन गया 1, तो इक्वल टू 0 है नहीं, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो एन का वैल्यू कितना है 1 प्लस प्लस सम इक्वल टू सॉरी सम ब्रैकेट में क्या है एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब क्या है 1 माइनस 1 0, तो सम 0 का वैल्यू तुमको मालूम है नहीं, तो सम 0 का वैल्यू मालूम नहीं है उसका मतलब है, तो हम लोग फिर अगेन वो फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एन का वैल्यू कितना है 0 है, एन का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे कंडीशन देखो इफ ए नॉट इक्वल टू 0 ये होगा। तो अभी तो एन इक्वल टू 0 है ना, 0 का मतलब क्या है रिटर्न एन, रिटर्न एन देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे देखो रिटर्न एन, रिटर्न एन हो रहा है। तो रिटर्न एन का मतलब क्या है, जो वैल्यू एन का वैल्यू होगा वो वैल्यू रिटर्न का, एन का वैल्यू अभी क्या है एन का वैल्यू 0 है, एन का वैल्यू क्या है 0 है, तो रिटर्न किसको करेगा। यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, जो रिटर्न फंक्शन मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करके मैं नीचे नीचे गया, तो मैं अभी रिटर्न कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो तुम किसी से कुछ लाए हो तो उसी को ही तुम रिटर्न करोगे। मुझ जदि कहाँ किसी आनी थी भी रिटर्न कर ताकू करी भी ना आउ कहाँ करी भी, ओबियस कथा मुझ जहाँ आनी ताकू ही रिटर्न करी। क्लियर, मते किए डाकी मते जी डाकी मुझे फेरेबि आलार कौच मैंने टे भल शुण मत किए डाकी गोटे एक्जामपल आम ना मुझे मनसा मु राकेश को डाकिली ताकू किसी कम दे राकेश कौन कला से कम टाक एक्स को देदेला एक्स कौन कला वाई को देदेला है राकेश मत के कम दब वाई प्रथम कर वाई रो आउटपुट बाहर से क्या रिटर्न कर एक्स को एक्स रो आउटपुट जो बाहर से क्या दब
राकेश को राकेश रो दावा वाला से कहां को देबो मते देबो काहे कि ना मु ताकु डाकी थी राकेश को राकेश काहे रखतिला एक्स को एक्स काहे रखतिला वाई को क्लियर उसी तरह तो ये जो हम लोग का यहां पे जीरो आया जो वैल्यू हम लोग का जीरो आया ये जो लास्ट वाला पोर्शन है यहां पे थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ठीक है लास्ट वाला पोर्शन में हम लोग का फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न हुआ जो वैल्यू आया तो कितना आया जीरो आया ठीक है यहां पे लिखा गया ऑलरेडी तो ये जो फंक्शन को जैसे ये फंक्शन को देखो ये मैं सोच लो मनोसर जैसे मैं एग्जांपल दिया था ठीक है इसको कौन कॉल किया मैं किसको कॉल किया राकेश राकेश किसको कॉल किया एक्स एक्स किसको वाई वाई किसको जेड क्लियर तो अभी जो जेड का वैल्यू निकला कितना जो ये फंक्शन का वैल्यू कितना आया जीरो आया तो जीरो किसको रिटर्न होगा वाई को क्लियर तो अभी देखो सम जीरो यहां पे आया था जीरो एन का वैल्यू जीरो तो ये रिजल्ट कितना निकला जीरो तो ये जो पर्सन है ठीक है ये जो पर्सन है इसको कॉल कहां से हुआ था यहां से तो वैल्यू जीरो कहां आएगा यहां पे क्लियर तो अभी एडिशन हो गया तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन देखो 1 तो अभी क्या लिखा है यहां पे क्या लिखा है रिटर्न 1 तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट 1 रिटर्न होगा तो ये रिटर्न किसको करेगा इसको जो बुलाया होगा उसी को वो वापस करेगा ठीक है तो इसको कौन बुलाया था ये बुलाया था तो ये 1 कहां पे जाएगा यहां पे क्लियर तो ये 8 होने का कितना हो गया 3 तो ये जो पर्सन को कौन बुलाया था देखो यहां पे क्या लिखा है रिटर्न तो ये रिटर्न होगा ये 3 रिटर्न होगा तो इसको कौन बुलाया था ये ऊपर वाला तो ये 3 कहां पे जाएगा यहां पे क्लियर तो ये दोनों आड़ होने का कितना हो जाएगा 6 यहां पे देखो क्या लिखा है रिटर्न 6 तो ये रिटर्न किसको करेगा इसको जो बुलाया था तो ये 6 कहां पे जाएगा यहां पे तो रिजल्ट के पास कितना हो गया 6 तो हम लोग ये प्रोग्राम में आते हैं रिजल्ट कितना बन गया 6 रिजल्ट कितना बन गया 6 तो अभी क्या लिखा देखो प्रिंट सम इक्वल टू रिजल्ट सम का मतलब है 6 तो अभी सम कितना दिखाएगा 6 दिखाएगा तो ये बहुत ही छोटा कांसेप्ट है मगर हम लोग समझ जाएंगे तो ये इजी है और एक बार बोल दे रहा हूं मैं x को बुलाया x y को बुलाया y z को बुलाया ठीक है तो z का जो रिटर्न आएगा वो किसके पास आएगा y के पास y का जो रिटर्न आएगा वो किसके पास आएगा x के पास x का जो रिटर्न आएगा वो किसके पास आएगा मेरे पास ये कांसेप्ट इसमें यूज हुआ है ठीक है तो ये वीडियो को बार-बार देखो दो तीन बार देखने के बाद वो समझ में आ जाएगा ठीक है तो आज जो क्लास था हम लोग का था रिकर्सन फंक्शन यहां पे रखते हैं थैंक यू